हेलो गाइस, कैसे हो यार आप सब। आई एम सो सॉरी यार, मेरे को अभी रिकॉर्ड करना पड़ रहा है, समथिंग 10 बज रहा है। आज दिन भर हो नहीं पाया कुछ रीज़न की वजह से। तो यार मेरी कोशिश यही रहेगी कि आज आपको वीडियो मिल जाए, बट देखते क्या होता है। सो हमने प्रीवियस एपिसोड में देखा होता है कि तो हमारी अंजू बोलती यार मेरा मन है कि हम कॉरिडोर में कुछ चक्कर काटे, थोड़ा सा रिफ़्रेश करें। तो फिर हमारी जानवी उसको मना करती, बट लास्ट इसमें तो हमारी अंजू की चल जाती है, वो फिर मान जाती है। हमारी जानवी तो इन लोग कुछ राउंड मार लेते कॉरिडोर के अंदर ही, तो देखते कि लास्ट में हमारी मैम से टकरा जाते हैं। तो फिर मैम उनको अच्छी खासी सुना देते, फिर इन दोनों भाग भाग के जाते हैं। जब मैम उनको चिल्लाती कि मुझे अभी तुम दिखना नहीं चाहिए, सीधा क्लासों में जाओ, रिहर्सल करो, प्रैक्टिस करो, तो फिर इन दोनों सीधा सीधा ऊपर जाते हैं सीढ़ियों से भाग भाग के। फिर देखते यार आगे क्या होता है इनके साथ में। तो हम देखते हैं कि इन लोग सीढ़ियाँ चढ़ते हैं, सीढ़ियों पे होते हैं, लोग भाग भाग के टॉप पे पहुंच जाते हैं जहाँ पर इनका क्लास होता है केमिस्ट्री लैब वाला। तो वहाँ पर बहुत जल्दी से इन लोग जाते हैं, तो बहुत फास्ट फास्ट जा रहे होते हैं, तो इनको भागना आता है। तो वहाँ पर इन लोग रुक जाते हैं फिर थोड़ा सा। फिर हमारी जानी बोलती यार इतना तो मैं कभी भी तेज़ भागी नहीं होंगी यार जितना तुम्हारी वजह से मुझे मैम ने भगा दिया। तो फिर हमारी अंजू बोलती हाँ जी, मैं तो रोज़ ओलंपिक में भागती हूँ ना, तो ऐसे बोल रही हो ना, मैं अभी फर्स्ट टाइम ही यार मेरे को कौन सा मैं भागती हूँ। फिर हमारी अंजू उसको बोलती है, तो फिर हमारी जानवी होती है कुछ ज़्यादा ही थक जाती है, क्योंकि यार इतनी स्पीड में वो भी ग्राउंड से एकदम टॉप फ्लोर पे इतना कोई बहुत ही होता है, तो उसको थोड़ा सा ये हो रहा होता है। तो फिर हमारी अंजू थोड़ा सा देख लेती, फिर उसको बोलती है अपने बॉटल निकालती है और उसको बोलती है थोड़ा सा पानी पी लो तुम्हें ठीक लगेगा। तो फिर हमारी जानवी उसको मना करती है, थोड़ा सा गुस्से में आ जाती है वो, क्योंकि यार उसका थोड़ा सा वो रहता है कि थकना प्लस मैम ने सुना सुनाया होता है, तो थोड़ा सा वो गुस्से में बोल देती नहीं पीना मुझे, तुम ही पी लो। तुम्हारी अंजू थोड़ा सा ये बोलती है उसको, एक बार बोलती प्लीज़ पी लो, तुम कुछ ज़्यादा ही हाँफ रहे हो। तुम्हारी जाने उसको और मना करती, तुम्हें पीना है तो तुम पी लो, बट मुझे मत दो, मैं जा रही हूँ रिहर्सल की प्रैक्टिस करने के लिए। फिर हमारी अंजू बोलती नहीं यार सुनो तो सही। हमारी जानवी जस्ट जा ही रही होती तो हमारी अंजू उसको पकड़ लेती है, दीवार के साथ लगा लेती है और सीधा हमारी जानवी के दोनों भी हाथ पकड़ लेती है ऊपर में अपने एक हाथ से, दूसरे हाथ से बॉटल का छक्कन खोलती है एंड हमारी जानवी को पिलाने वाले पोजीशन में होती है। बट हमारी जो जानवी होती है वो मुंह बंद करके चुपचाप खड़ी हो रही होती है। तो फिर हमारी अंजू बोलती पी रहे हो कि नहीं, या फिर मैं कुछ और अपनाऊँ तरीका। तो फिर हमारी जानवी बोलती यार ये कुछ और करने से अच्छा कि मैं पी लूँ, पहले ही बहुत टाइम हो चुका है और मैम ने हमें यहाँ देख लिया, तो पता नहीं कुछ हमें क्लास के बाहर ना निकाल दे। तो फिर हमारी जानवी को प्यास तो लगी होती है, चुपचाप से हमारी जानवी के हाथ से पानी पी लेते हैं। तो हमारी अंजू भी उसको प्यार से पिलाती है पानी। तो फिर हम देखते हैं कि यार गाइस पानी पिलाने के बाद हमारी जो अंजू भी होती है वो भी खुद पानी पीती है। फिर हमारी जो अंजू होती है उसका जो एक हाथ होता है वो हमारी जानवी के दोनों हाथ को पकड़ा हुआ होता है, तो वो छोड़ देती है। फिर हमारी जो जब अंजू पानी पीने लगती है तो फिर हमारी जानवी बॉटल पकड़ती है और उससे भी बड़े प्यार से पानी पिलाती है। तो फिर हमारी अंजू भी मज़े लेके पानी पीती है और उसको देखते देखते साथ ही साथ। तो फिर देखते देखते जो हमारी जो रशीद होता है वो बोलता है यार तुम लोग क्या कहाँ रह गए हो ना, मैं जब से तुम्हारा वेट कर रहा हूँ यार आधा घंटा हो गया, तुम लोग कहाँ थे, ऐसा बोलता है। और वहाँ पर जो भी होते नंदिनी एंड प्रतीक और निम्रत सब आ जाते और बोलते यार तुम लोग कहाँ थे, हम तुम्हारे जब से वेट कर रहे थे, हम अगर तुम नहीं आते तो हम तुमको जस्ट अभी कॉल ही करने वाले। तो फिर हमारी अंजू बोलती नहीं यार वो हम बस आ ही रहे थे, वो हमें मैम ने रोक लिया, वो हमें थोड़ा मैम ना प्लानिंग के बारे में कुछ बता रही थी। तो फिर हमारी जानी बोलती हाँ मैम सुना रहे थे हमें अच्छा खासा। फिर हमारी नंदिनी बोल रही सुना रहे थे या फिर बता रहे थे। तो फिर हमारी जानवी हमारे अंजू को घूरती है, तो फिर हमारे अंजू उसको थोड़ा सा पिंच करती और बोलती चुपचाप रहो। तो फिर हमारी अंजू टॉपिक चेंज करती और बोलती यार तुमने अभी तक रिहर्सल की प्रैक्टिस नहीं की। तो फिर हमारी रक्षित और नंदिनी बोलते हाँ यार हम तो करने वाले थे बट तेरी राह देख रहे थे, तू आएंगे तो थोड़ा सा हमें भी कुछ सपोर्ट या फिर कुछ कैसे करना है वो कुछ सजेस्ट करती, इसकी वजह से हम रुक के तेरा और हम जाने का वेट कर रहे थे, जब से हम लोग आए ही नहीं, हम जस्ट आने वाले थे अगर तुम नहीं आते थे तो। फिर हमारी अंजू बोलती है यार अब तो मैं आ गई हूँ ना, चलो अभी चले जल्दी से प्रैक्टिस करते हैं। फिर हमारा जो नंदिनी बोलती है हाँ जी चले हैं जी, जल्दी से प्रैक्टिस करके ना फटाफट फिनिश कर लेते हैं। तो ऐसा बोल के सब लोग अंदर जाते हैं। तो फिर हमारी जो नंदिनी होती है जाके बैठ जाती है और बोलती है चलो यार बताओ तुम सबके अपने अपने सजेशन बताओ कि यार क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। सब अपनी राय बता रहे होते हैं कि ऐसा करना चाहिए वैसा करना चाहिए, बट हमारी जो अंजू होती है किसी का कुछ सुनती नहीं है, उसको कुछ समझ भी नहीं आता कि यार हम क्या करें। हमको उसको सबको जिनका भी सुन रही होती है वो बोलती नहीं यार ये ऐसा ठीक नहीं लगेगा, उसको बोलती कि नहीं यार मुझे ये चीज़ पसंद नहीं है। सबकी जो भी बातें होती है वो सब
इग्नोर ही कर रही होती है, एक तरह से काट रही होती है, उसको पसंद ही नहीं आता जो कोई भी अपना आइडिया देता है। तो हमारी अंजू को तो उसको कोई आइडिया पसंद नहीं आता। तो फिर हमारी जानी बोलती, यार तुम सब कुछ मना करते रहोगे तो हम कुछ कंक्लूजन में पहुँचेंगे नहीं ना, तुम एक तो बता दो यार हमें कैसा करना है। एक तो तुम खुद भी नहीं बता रही और जब हम बता रहे तो तुमको वो भी पसंद नहीं आ रहा। तो फिर हमारी निम्रत बोलती, हाँ यार तुम अगर सब कुछ ऐसी मना करते रहोगे तो हम कैसे है ना कुछ स्टार्ट करेंगे। तो फिर हमारी जो नंदिनी बोलती, हाँ यार ये भी बात सही है ना, तुम सब कुछ क्यों काट रही है ना, कुछ तो हमें सोचना पड़ेगा ना यार, हमने अभी तक सोचा ही नहीं है, सोचने में इतना टाइम लगा लिया। पता चला अगर मैम आ गई और उन्होंने बोला कि हाथ तक रिहर्सल हुई है तो फिर भाई देख लेना, टेरेस से हमको डायरेक्ट नीचे फेंक देंगे ग्राउंड फ्लोर पर, फिर सीढ़ियों की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो फिर हमारा रक्षित बोलता, हाँ यार मैम पहले कुछ ज़्यादा ही गुस्सा कर चुकी यार, हम भी ना यार स्टार्टिंग में मैम के सामने अपनी रेपो ख़राब कर दी है सबने। तो फिर हमारी अंजू बोलती, हाँ यार वो भी है, मैम ने बहुत चिल्लाया डांटा। तो फिर हमारी जो रक्षित बोलती, चिल्लाया डांटा, कब चिल्लाया डांटा? हमारी अंजू चुप हो जाती, नहीं वो बस जब भी ना क्लासरूम में जब हम, तो वो फिर याद दिलाती है कि यार वो समय वाला, वो नहीं बताती कि जानवर मुझे कॉरिडोर में पकड़ लिया था, वो नहीं बताती है। फिर हमारी जानवी स्माइल कर रही है, अच्छा जी बेटे उन्होंने नहीं बताया, ऐसा बोल रही होती मन ही मन में। फिर हमारी जो अंजू भी उसकी तरफ देखती है, स्माइल करती है और हाथ मार लेती है उसको। फिर हमारी जानवी भी स्माइल करती, तो फिर हमारी जो निम्रत होती है वो थोड़ा सा ना बोलती है, यार तुम कुछ कर नहीं रहे यार, हमने कुछ स्टार्ट नहीं किया, कुछ समझ में नहीं आ रहा क्या करें क्या करें। फिर प्रतीक आता है, वो बोलता है, यार तुम कैसे इंसान हो, आधे ज़्यादा मैं क्लास घूम के आया तो आधे ज़्यादा मेरे फ्रेंड्स बता रहे थे कि उनकी रिहर्सल आधी होने में भी आ गई और हमने अभी तक स्टार्ट भी नहीं किया, कुछ किया भी नहीं है, क्या करेंगे यार, कुछ तो कोई बता दो मुझे या फिर मैं किसी अपना ग्रुप चेंज कर लूँ। तो हमारी अंजू चिल्ला के बोलती, यार तू कैसी बात कर रहा है, ग्रुप चेंज करने की बात कर रहा है? तो हमारा प्रतीक बोला, हाँ और क्या करूँ यार, तुमने कुछ अभी तक किया ही नहीं है, दूसरे ग्रुप में चले जाओ तो भाई मुझे कुछ काम तो मिल जाए ना, तुम यहाँ पर कुछ कर ही नहीं रहे, ऐसी बातें कर रहे हो। फिर हमारी जानवी जो बोलती है, हाँ यार हम कुछ नहीं कर रहे यार, हमें कुछ करना होगा, जल्दी जल्दी सोचो। तो सब लोग अपना दिमाग लगा रहे होते कि कैसे क्या करना है। तो उतने में देखते कि हमारी मैम आ जाती है एकदम, फिर जब मैम को इन लोग देखते तो इनके मुँह में तो 12 ही बज जाते हैं, सब एक में के कुछ शक्ल देखते और बोलते, यार अब तो बहुत गंदे वाले लग गए हमारे। सब लोग एक मेक का फेस देखते और बोलते, यार अब मैम नहीं छोड़ने वाली, अब तो बस टेरिस के नीचे जाना है, अभी टेरिस के नीचे उठा के फेंकेंगे अपने को। सब लोग एक मेक को बोल रहे होते। फिर मैम आती और बोलती, बच्चों और तुम्हारी हो गई प्लानिंग, कहाँ तक पहुँचा आपका डांस रिहर्सल? फिर हमारी अंजू एक मेक के मुँह देखने लग जाते हैं, इन लोग को तो कुछ समझ में नहीं आता, सब लोग की मुंडी नीचे होती है। हमारी जानी फिर मैम को बताती, हाँ मैम हमारा बस हो ही गया, हम बस अभी थोड़ा सा ना रिहर्सल की प्रैक्टिस करके हम जस्ट थोड़ा सा ना रिलैक्स होने के लिए यहाँ पर बैठे हैं। तो फिर हम अच्छी मैम बोलती, अच्छा बेटा चलो ठीक है कोई नहीं, मुझे खुशी है कि तुम लोगों ने स्टार्ट तो किया, पता चला तुमने कुछ स्टार्ट ही नहीं किया। तो फिर ऐसा बोलती और मैम बोलती, चलो यार बच्चों आप तो स्टार्ट कर लो, अपना अपना देख लो, आराम से करना, ज़्यादा फिर भाग दौड़ फिर हो जाएगी बाद में, पहले अच्छा है कि पहले से तुम लोग सब रिहर्सल की प्रैक्टिस कर लो, फिर बाद में एंड टाइम पे तुम कुछ प्रॉब्लम ना हो, ऐसा बोलती और चलो बच्चों आप लोग करो, पर मैं बीच बीच में आती रहूँगी देखने के लिए, चलो मुझे जाना है थोड़ा सा ना, बाकी मैम के साथ मुझे काम करना है, कुछ प्लान्स बनाना है, हम टीचर्स लोग भी कुछ करने वाले, ऐसा बोल के वो चल जाती है। तो फिर हमारी अंजू बोलती है, यार तुमने क्या मैम को बताया ना, हमने तो कुछ सोचा ही नहीं अभी तक। तो फिर हमारी अंजू हमारी जानवी को बोलती है, तो जानवी बोलती है, और क्या बोलूँ और क्या बोलती हूँ और क्या बोलती थी मैं कि हमने अभी तक कुछ सोचा ही नहीं, अभी तक क्या करना है, पता चले ना मैम हमें अच्छी खासी कुछ सुनाई दी पहली। तो फिर हमारी अंजू बोलती है, हाँ यार बट अभी हमने कुछ किया नहीं, तुमने तो ये तक बता दिया कि हमारी प्रैक्टिस भी हो रही है, रिहर्सल भी आधा हो गया, हमारा तो आधा क्या स्टार्ट भी नहीं हुआ यार, क्या करें। तो ये लोग थोड़ा सा है ना टेंशन में आ जाते हैं। हमारा निम्रत बोलते हैं, यार अब तो मुझे भी टेंशन हो रही है यार कि क्या होगा क्या नहीं होगा, मेरे को नहीं लगता है कि अपने ग्रुप में से कोई भी हेड गर्ल या फिर हेड बॉय या फिर कोई भी कुछ और बनने के लायक है, क्योंकि हमने तो भाई अभी तक कुछ भी नहीं किया। तो फिर हमारी ये जानवी भी थोड़ा सा सर पकड़ के बेंच के ऊपर बैठ जाते, सब लोग बेंच पकड़ लेते अपने अपने और अपने सर पकड़ के वहाँ बैठ जाते। फिर कुछ समय के बाद, थोड़ा समय के बाद, फिर हमारी जानवी को एक आइडिया आता है। तो फिर वो जानवी अपना आइडिया सबको बताती है, तो सबको वो आइडिया बहुत ज़्यादा पसंद आता है और हमारी अंजू को तो बहुत ज़्यादा पसंद आता है। वो हमारी जानवी को हक कर लेते और बोलते, थैंक यू सो मच यार इतना प्यारा सा आइडिया देने के लिए, अब हम इसी पे वर्क करेंगे और इसी पे हम परफॉर्म करेंगे और देख लेना सबको हमारा आइडिया और प्लान डांस सब कुछ बहुत अच्छा लगेगा, ठीक है ना। और थैंक यू सो मच यार, बहुत 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 थैंक यू आपका यार, चलो एक तो आइडिया मिला जो मुझे और सबको पसंद है। तो सब लोग हमारी जानवी की तारीफ़ कर रहे होते हैं और सबसे ज़्यादा तो तारीफ़ हमारी अंजू करती है।
फिर देखते हैं कि हमारी जानी बोलती यार तारीफ तो बाद में करना, पहले चले स्टार्ट करें हमारा रिहर्सल। तो फिर हमारी जो सब होते हैं इन लोग फिर अपने इसमें लग जाते हैं, कोई रिहर्सल की प्रैक्टिस कर रहा होता है, कोई ग्रुप डांस की प्रैक्टिस कर रहा, तो कोई सॉन्ग सिलेक्ट कर रहे होते। तो फिर हमारी जो अंजू और हमारी जानवी इनको पास थोड़ा सा टाइम होता है एक दूसरे के साथ में, तो आ जाते क्योंकि सब अपने अपने बिजी होते। तो इन और एक कॉर्नर पकड़ लेते और बोलते हमारी जानवी और अंजू थोड़ा सा क्लोज आके, यार ये तो हो गया ना बट अपना ग्रुप का तो हो गया, अभी कपल डांस का क्या करें। तो हमारी जानवी बोलते अभी कपल डांस का कुछ मत करो, हम घर में जाके सोचेंगे क्या करना क्या नहीं, फिलहाल तो अभी हमें अपने इस मामले वाले मसले को ना हल करना होगा, ठीक है। हम कपल डांस जो है ना अपन दोनों उसे डिसाइड कर लेंगे घर में जाने पर, और उसकी प्रैक्टिस भी हम अपने घर पे करेंगे ना, फिलहाल तो हमें ग्रुप की और रिहर्सल का देखना है, वो यहाँ पर कॉलेज में कर लेंगे। तो हमारी अंजू को थोड़ा सा रिलैक्स हो जाती है वो, तो हमारी जो जानवी को थोड़ा सा हक कर लेती है और बोलती है यार थैंक यू सो मच, अगर तुम नहीं होते ना पता नहीं मेरा क्या होता। तो हमारी जानवी भी बोलती कुछ नहीं होता, वही होता जो मंजूर खुदा होता। हमारी जानवी बोलती हमारी अंजू को हंस के, तो हमारी अंजू स्माइल करती है और उसको ना उसके गाल पे बड़ा प्यार सा किस करती है। तो फिर हमारी जानवी बोलती क्या कर रहे हो यार, सब लोग यहाँ पर हैं उनके सामने किस कर रहे हो। तो हमारी अंजू बोली हाँ तो किस ना करूँ मैं, इतना अच्छा आइडिया जो दिया किस तो बनता है ना, और आज तो तुम कुछ और करने के है ना, मुझे ये कर रहे हो कि यार मैं आपको कुछ और एक गिफ्ट दूँ, यार आपने मुझे इतना अच्छा प्लान दिया तो मेरा भी फ़र्ज़ है कि आपकी आज अच्छी खातिरदारी करूँ मैं। तो फिर हमारी जानवी हंस के बोली नहीं चाहिए मुझे आपकी कोई भी खातिरदारी, ठीक है ना, फिलहाल प्रैक्टिस करो और हेड गर्ल बन जाओ, यही मेरा गिफ्ट होगा, ओके। तो अंजू बोलती यार वो तो हम बन जाएंगे बट आपको अच्छी खातिरदारी तो हम करेंगे ना, क्योंकि यार आपने हमें बहुत शानदार आइडिया जो दिया है। तो हमारी जानवी उसको बोलती यार इसमें क्या बात है ना, आइडिया तुम्हारा हो या मेरा है ना, बात तो एक ही है ना। फिर हमारी अंजू बोलती हाँ बात तो एक ही, बट हम तुम्हें बहुत शानदार सा सरप्राइज़ ज़रूर देंगे, क्योंकि यार तुमने हमें बहुत बेहतरीन आइडिया दिया तो हमें तुम्हारा हक बनता है यार। फिर हमारी जानवी बोलती है हाँ जी जब बन को आप बोल ही रहे तो ठीक है, हम मना भी नहीं कर सकते यार। तो फिर हमारी अंजू बोलते हाँ जी मना भी नहीं कर सकते आप, तो चले अभी प्रैक्टिस करें। तो फिर देखते हैं इन लोग अपने है ना ग्रुप की डांस की ना प्रैक्टिस करते बड़ी शानदार वाली। तो हमारी जो अंजू होती है वो हमारी जानवी को सिखा रही होती है, क्योंकि हमारी जानवी डांस में फेल होती है क्योंकि उसको डांस का ए भी नहीं आता है, बोल सकते हैं उसको डांस का डी भी नहीं आता है। तो फिर हमारी जानवी उसको अच्छी हमारी अंजू उसको अच्छे से सिखाती है, एक एक स्टेप सिखाती है उसको, थोड़ा सा कुछ ज़्यादा टाइम दे दी होती है क्योंकि बाकी के लोग तो माहिर होते हैं डांस में इसमें, तो वो जल्दी से कवर कर लेते हैं, बट हमारी जो जानवी होती है उसको थोड़ा सा टाइम लग रहा होता है। तो सब लोग समझते हैं एंड देखते यार इनकी रिहर्सल कहाँ तक पहुँचते, थैंक यू सो मच यार, मेरी यही दुआ है कि आज फटाफट कर लो, और ये 10 बजे समथिंग अभी तो 10 बज रहे हैं ना, तो अभी के अभी हो जाए अपलोड तो अच्छी बात है। चलते यार आपसे मिलेंगे नेक्स्ट एपिसोड में, थैंक यू सो मच माय डियरेस्ट सब्सक्राइबर्स एंड व्यूअर्स, थैंक यू सो मच, चलो बाय, गुड नाइट।